नाथ भैया को छोड़ दो, क्योंकि जब कभी हम आया करेंगे तो मेरी सखियां जो हैं वो हंसी बनाया करेंगे। आज रुक्मणी के कहने पर कन्हैया ने रुक्म को छोड़ दिया है, तो बताया गया कि रुक्म और शिशुपाल जो है कुंदनपुर नहीं जाते हैं, उन्होंने एक अपना अलग नगर बसाया है भोजघट नाम का, वहां पर रहने लगे हैं। तो एक प्रमाण ये मिलता है कि महाराज भीष्मक ने अपने आंगन में खुद रुक्मणी का विवाह कन्हैया के साथ में करवाया, और दूसरा प्रमाण ये मिलता है कि कन्हैया जो है रुक्मणी को लेकर के आए हैं और इन्होंने द्वारिका में आकर के रुक्मणी के साथ में विवाह किया है।